रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ की टीम सहायक कमांडर राजीव कुमार की अगुवाई में शाहबाद क्षेत्र की जानकारी लेने के लिए शाहबाद पहुंची। इस दौरान टीम ने क्षेत्र में भ्रमण कर भौगोलिक व सामाजिक स्थिति की जानकारी ली। कमांडेंट राजीव कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरएएफ की बटालियन 194 के सहायक कमांडेंट राजीव कुमार की अगुवाई में इंस्पेक्टर नीरज कुमार सहित करीब 65 सदस्यों की टीम क्षेत्र की जानकारी हासिल करने के लिए शाहबाद पहुंची है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के निर्देशानुसार 194 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी जिला कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्थानों की जानकारी एकत्रित करने के लिए 22 फरवरी को कुरुक्षेत्र पहुंची थी। आरएएफ की इस टुकड़ी द्वारा 22 फरवरी से 28 फरवरी तक कुरुक्षेत्र जिले का भ्रमण कर विभिन्न प्रकार की जानकारी जुटाई जाएगी। इस टुकड़ी में उनके नेतृत्व में इंस्पेक्टर सहित 65 जवान शामिल हैं। ये 194 बटालियन की द्रुत कार्यबल की नफरी है जो हमारे कमांडेंट राकेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार और एमएचए की कुछ गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है हरियाणा राज्य में 4 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं हाइपर सेंसिटिव, जिनकी हम इस वर्तमान समय में फेमेक्स एक्सरसाइज जिनमें कर रहे हैं, हमारी एक कंपनी आज डेट में जिंद में कर रही है और हम दूसरी जो कंपनी है यहाँ कुरुक्षेत्र में, हम चूँकि ये हाइपर सेंसिटिव एरिया है इसलिए हम इसमें फेमलाइजेशन एक्सरसाइज के लिए आए हुए हैं और आज हमारा प्रोग्राम शाहबाद और झांसा में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करना है। कितनी कंपनियां काम कर रही हैं? वैसे एक बटालियन में हमारी 4 कंपनी होती है, बट वर्तमान समय में हमारी 2 कंपनियां जो फील्ड में हैं, एक जिंद में जैसा आपको मैंने पहले बताया और एक आपके कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं। सर आज कितने थाने का आज आपकी कंपनी? आज हमारा शाहबाद और झांसा एरिया में इनका कुछ डाटा हम कलेक्ट करेंगे और इसमें हम फ्लैग मार्च करेंगे। जो फ्लैग मार्च चाहिए वीकली चलती है, ईयरली चलती है, कैसे चलती है? देख ईयरली चलती है, ईयरली जो हाफ हाइपर सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हैं एरिया हैं उसमें हम साल में एक बार कंडक्ट करते हैं, जरूरत पड़े तो दूसरी बार भी कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो फ्लैग मार्च निकालेगा संदेश क्या रहेगा, क्या कुछ रहेगा? एक जो ये नीली वर्दी है इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जनता में एक वर्दी के प्रति विश्वास पैदा करना मेरा मेन मकसद है। आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे पास एक महिला टीम भी है जिससे हम महिला सशक्तिकरण का एक मैसेज देना चाहेंगे समाज में और पुलिस पब्लिक के बीच एक रिलेशंस कैसा अच्छा पैदा हो सकता है, आपसी समझ भी बहाल कैसे किया जा सकता है, इस ये हमारा मेन ध्येय है, इसको लेकर के हम इस एरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। पूरा परिचय क्या सर आपका? परिचय सर नाम? मैं राजीव कुमार सिंह सहायक कमांडेंट 194 बटालियन से। खबरनामा रहने के लिए शाहबाद से धर्मवीर की रिपोर्ट।